जैस्मिन भसन। दोस्तों जैस्मिन भसन ने अली गोनी की कर दी है कंप्लेन, और ये एक ऐसी कंप्लेन है जो कि अक्सर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से करती हुई नजर आती हैं, और इस पर तो एक गाना भी बन चुका है। कौन सा गाना, किसके बारे में बात कर रहा हूं, जैस्मिन भसन ने कंप्लेन कैसे करी है, आइए आपको ये सारी बातें बताता हूं। क्यूट सी प्यारी बात। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मौजूद हूं, तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। अब भाई की प्रधानमंत्री है, जितना बिजी तू रहता है, जो कि हिमांशी खुराना आसिम रियाज से कंप्लेन करते हुए नजर आई थी। नेहा कक्कड़ ने सॉन्ग गाया था और नेहा कक्कड़ ने जो है मतलब बहुत ही जस्टिस किया था। अब उन्हीं लाइंस को लेकर अली गोनी को टॉन्ट मारा है दोस्तों जैस्मिन भसन ने, एंड ओफ क्या पिक्चर डाली है, सो एडोरेबल, सो चार्मिंग। दोनों ही जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दोनों ही पिंक ड्रेस में हैं एंड दे आर लुकिंग फैब। मैं आपको वो पोज दिखाता हूं, ये देखिए जैस्मिन भसन, ये प्यारी सी फोटो डाली है और इस पर ही उन्होंने कैप्शन लिखा है कि प्रधानमंत्री है जिन्ना बिजी तू रहता रहना है। और अली गोनी जो है फोन में बात कर रहे हैं और जैस्मिन देखो कैसे जीभ चिढ़ा रही है। ओ क्यूट यार, सो अडोरेबल जोड़ी यार इनकी। खैर वैसे आपको बता दूं तो दोनों ही मुंबई रिटर्न भी कर चुके हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। रिसेंटली इनका गाना आया था प्रोफेशनल फ्रंट पे जो कि है तेरा सूट, टोनी कक्कड़ ने वो गाया था। और फिर उसके बाद अब दोस्तों ये खबर आई है कि जैस्मिन का शहजाद के साथ गाना आ सकता है, और साथ ही साथ जैस्मिन भसन का सॉन्ग जो है एक और आएगा राहुल वैद्य के साथ। अब ये वाले में कितनी सच्चाई है इसका हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इन बिटवीन आप लोगों को क्या है कहना इस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। जैस्मिन और अली की जोड़ी के बारे में बताएं, जैस्मिन कंप्लेन कर रही है उसके बारे में बताएं, और बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। इजाजत दें।